नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 370 के ऊपर। दोस्तों, आप सबने कभी और कभी ना कभी आर्टिकल 370 ये नाम सुना ही होगा। और आर्टिकल 370 ये जम्मू कश्मीर के रिलेटेड है, ये आप सबको पता है। लेकिन आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर को क्या दिया, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। तो पहले जाएंगे आर्टिकल 370 कैसे आया, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, भारत के संविधान में जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया है। जम्मू और कश्मीर भारत के राज्य का एक हिस्सा है, जिसे संविधान की धारा 1 में संदर्भित किया गया है और इसे पहली अनुसूची में 15वें राज्य के रूप में संदर्भित किया जाता है। लेकिन दूसरी ओर संविधान की आर्टिकल 370 के तहत इसे स्पेशल दर्जा दिया गया है, इसलिए भारत के संविधान के सभी प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते हैं। यह भारत का एकमात्र राज्य है जो अपना स्वतंत्र संविधान है। जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय कैसा हुआ, यह हम जानेंगे। ब्रिटिश शासन के अंत के साथ जम्मू और कश्मीर संस्थान अन्य संस्थानों के साथ 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। उनके शासक थे महाराजा हरि सिंह। उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि ना ही जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान में जाएगा और ना ही भारत। लेकिन असली स्टोरी शुरू हुआ उसके 2 महीने बाद। 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना, जिसे आजाद कश्मीर सेना का समर्थन प्राप्त हुआ था, उन्होंने जम्मू और कश्मीर पर हमला किया। तभी उधर जो सामान्य परिस्थिति थी पिछले कई सालों से, वो खत्म हो गई। और ऐसी असामान्य राजनीतिक परिस्थिति में महाराजा हरि सिंह ने अपना राज्य भारत में विलीन करने का निर्णय लिया। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के जम्मू और कश्मीर को लेकर एक कलम बनाया और उसे ही हम कलम 370 बोलते हैं, मतलब आर्टिकल 370 बोलते हैं। ये आर्टिकल प्रोविजनल आर्टिकल है, मतलब ये टेम्प्रेरी आर्टिकल है। जम्मू और कश्मीर राज्य ने अपने संबंधित विषयों पर 3 अधिकार छोड़ दिए। उसमें से फर्स्ट आता है डिफेंस, सेकंड आता है फॉरेन अफेयर एंड थर्ड आता है कम्युनिकेशन। मतलब ये जो तीनों पार्ट है, डिफेंस, फॉरेन अफेयर एंड कम्युनिकेशन, ये तीनों पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। मतलब कि जम्मू और कश्मीर राज्य के आसपास जो डिफेंस है, जो सुरक्षा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से संचालित है। अगर उधर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है या कुछ भी गड़बड़ हो जाता है, तो सब जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है, ना कि आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर स्टेट को। इसके बाद हम देखेंगे कि जम्मू और कश्मीर को आर्टिकल 370 के हिसाब से क्या मिला। तो पहला तो है कि जो असेंबली है जम्मू और कश्मीर का, वो बाकी राज्यों से अलग है। बाकी राज्यों में जो असेंबली का, जो पार्लियामेंट का जो कार्यकाल रहता है, वो 5 साल का रहता है, लेकिन जम्मू और कश्मीर में वो 6 साल का है। उसके बाद जम्मू और कश्मीर हैज़ 2 flags, मतलब जम्मू और कश्मीर का स्टेट का फ्लैग अलग है और जो नेशनल का फ्लैग है वो तो उनको कॉमन है। तो नेशनल का फ्लैग और स्टेट का फ्लैग, ऐसे 2 flag उनको अलाउड है। उसके बाद इंसल्टिंग ऑफ अ नेशनल सिंबल इज नॉट अ रिकॉग्नाइजेबल ऑफेंस इन जम्मू कश्मीर। मीन्स अगर आप बोलेंगे नेशनल सिंबल से, जैसा कि फ्लैग है और वंदे मातरम है, ये अगर कोई भी इंसल्ट करता है जम्मू और कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर के नागरिक, तो उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं होगा।
उसके बाद जो आता है वो है कि सिटीजनशिप का, जम्मू और कश्मीर के नागरिकों को दो सिटीजनशिप मिलती है, एक तो स्टेट सिटीजनशिप जम्मू और कश्मीर की और दूसरी इंडियन सिटीजनशिप। इसमें भी उन्होंने एक पॉइंट डाला है कि अगर कोई भी जम्मू कश्मीर की लड़की भारत के मतलब बाकी राज्यों के किसी भी लड़के से शादी कर लेती है तो उसका जम्मू कश्मीर का जो नागरिकत्व है वो कैंसिल हो जाएगा, और उसने जो जिससे शादी किया है उससे उसको इंडियन नागरिकत्व रहेगा।